बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है कार स्पीड डिटेक्टर यूजिंग आर्डिनो एंड आईआर सेंसर। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटीएस 7 पे ओपन कर लेना है। सर्किट डायग्राम, कोड और सिमुलेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद आईआर मॉड्यूल की जगह दो पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, A0 पे और A1 पे। टेक्निक लगा के पुल अप किए हुए हैं। इसके बाद एक बज़र यूज़ की हुई है, इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। तो सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने कोड ओपन कर लेना है। तो ये हमारा कोड है, कोड का व्यू आपको बाद में देता हूँ। तो यहाँ से अपने स्केच में जाना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। डन कंपाइलिंग पे इसने इसी फोल्डर में दो एक्सफाइल जनरेट कर दी हुई हैं। तो यहाँ से आपने दोबारा सिमुलेशन ओपन कर लेनी है और आर्डिनो को क्लिक करना है, यहाँ से ये एक्सफाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ओके करना है। इसके बाद रन कर लेनी है फाइल। तो जैसे रन करेंगे स्टार में वेलकम का मैसेज आ जाएगा, इसके बाद सेकंड लाइन में नो कार डिटेक्टेड आ जाएगा। इसका मतलब है किसी भी सेंसर ने अभी तक कार को डिटेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही वन सेंसर के सामने कार जाएगी तो LCD के ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ आ जाएगा, और जैसे ही दूसरे सेंसर से आउट होगी तो स्पीड कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी हमारी स्पीड थी 2.9 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ से हमने जो सेंसर लगाने हैं उनका अपने डिस्टेंस रखना है 10 सेंटीमीटर। अब हम थोड़ा सा फास्ट करके चेक कर लेते हैं। तो 38.7 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड। अब इसके बाद थोड़ी सी और फास्ट करते हैं, 49.2 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हमने चेक लगाया हुआ है 50 से स्पीड ओवर जाएगी, तो उस कंडीशन के ऊपर LCD के ऊपर लिखा हुआ आएगा ओवर स्पीडिंग, और साथ हमारी बज़र ऑन हो जाएगी 3 सेकेंड के लिए। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक 30 नंबर पिन के ऊपर बज़र यूज़ की हुई है, इसके बाद 2 IR सेंसर यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। फर्स्ट लाइन में हमने स्पीड डिस्प्ले करवाई हुई है, और सेकेंड लाइन में स्टेटस डिस्प्ले करवाया हुआ है कि स्पीड ओवर है या नॉर्मल स्पीड है। इसके बाद LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन 4.7 के से पुल अप की हुई है और 1 के लगा के पुल डाउन की हुई है। इसके बाद LCD की बैक लाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कथोड होती है। तो कथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है, और अनोड पर 100 ओम की डिस्टेंस लगा के 5 वोल्ट के साथ अटैच की हुई है। तो ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद टाइमर 1 की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद टाइमर 2 की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद टाइम की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद फ्लैग 1 की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद फ्लैग 2 की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद डिस्टेंस की वेरिएबल 5 की इक्वल है, 5 एज ए किलोमीटर कंसीडर किए हुए हैं। इसके बाद स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद IRS1 यानी कि सेंसर 1 ए 0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद IRS2 सेंसर 2 ए 1 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद बजर 13 नंबर पिन के साथ अटैच है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं। इसके बाद बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद एलसीडी क्लियर की कमांड है। इसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है स्टार्ट वाला, जो कि 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए डिस्प्ले रहता है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले आईआर सेंसर 1 रीड हो रहा है। अगर वो लो के इक्वल होगा, यानी कि जैसे ही आईआर सेंसर के सामने गाड़ी आएगी तो सेंसर की पिन लो हो जाएगी और साथ ही फ्लैग 1 की वेरिएबल चेक होगी। अगर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर टाइम का जो भी स्टेटस होगा मिलीसेकंड का, वो टाइमर 1 की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा और फ्लैग 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोबारा इस फंक्शन में ना आए। यहाँ पर हमने जो चेक लगाया हुआ, अगर फ्लैग 0 के इक्वल है तो इस फंक्शन में आएगा, जैसे इस फंक्शन में जाएगा तो फ्लैग 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही गाड़ी आउट होने लगेगी तो सेंसर 2 के सामने जाएगी तो इसकी पिन लो होगी और जो उस टाइम मिलीसेकंड का स्टेटस होगा वो टाइमर 2 के इक्वल हो जाएगा और साथ ही फ्लैग 2 की वेरिएबल भी 1 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे हमने इफ लगाया हुआ है, अगर फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 1-1 के इक्वल हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में आना है। यहाँ पर अगर गाड़ी सेंसर 2 पे पहले आई है और उसके बाद सेंसर 1 पे बाद में गई है तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ टाइमर 2 की मिलीसेकंड की वैल्यू कम होगी और टाइमर 1 की वेरिएबल मिलीसेकंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन के ऊपर टाइमर 1 में से टाइमर 2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी। जो भी मिलीसेकंड होंगे वो टाइम के इक्वल आ जाएंगे। अब हो गया रहा है कि जैसे ही गाड़ी इंटर होती है उस टाइम पे जो मिलीसेकंड चल रहे होते हैं वो सेव हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही गाड़ी आउट होने लगती है सेंसर 2 के या सेंसर 1 के सामने जाती है तो उस टाइम के भी मिलीसेकंड स्टोर हो जाते हैं। अब इसमें से जो वैल्यू कम होती है वो बड़ी वैल्यू से माइनस कर ली जाती है और इसके बाद हमारे पास गाड़ी का सेंसर 1 से लेके सेंसर 2 तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास मिलीसेकंड काउंट हो गए। इसके बाद इसको हमने आगे सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है, टाइम की वेरिएबल को डिवाइड किया हुआ है 1000 पे, तो यहाँ पर हमारे पास आगे सेकंड। इसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू को हमने डिवाइड किया हुआ है सेकंड पे, तो हमारे पास स्पीड आ गई किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए यहाँ पर हमने जो स्पीड रीड हुई थी उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 3600 से 1 आवर के सेकंड से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर स्पीड की वेरिएबल को 1000 पे डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड अपडेट हो जाती है। इसके बाद अगर स्पीड की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में आना है। यहाँ पर 0 करेक्टर और 1 लाइन पे स्टेटस डिस्प्ले कराया हुआ है। अगर फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 0-0 के इक्वल हैं तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी की 2 लाइन पे डिस्प्ले होना है नो कार डिटेक्टेड। और इसके बाद एल्स लगाया हुआ है, जैसे ही फ्लैग 1 या फ्लैग 2 यानी कि सेंसर 1 या सेंसर 2 में से कोई भी गाड़ी को डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी के ऊपर प्रिंट हो जाएगा सर्चिंग। और जैसे ही दोनों फ्लैग 1 के इक्वल होंगे तो यहाँ से स्पीड डिटेक्ट हो जाएगी और स्पीड डिटेक्ट होने के बाद ये एल्स में चला जाएगा। एल्स में एलसीडी क्लियर करेगा। एलसीडी क्लियर करने के बाद फर्स्ट लाइन पे स्पीड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद 0 करेक्टर और 1 लाइन पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। अगर स्पीड हमारी 50 से ओवर जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी की 2 लाइन पे डिस्प्ले हो रहा होगा ओवर स्पीडिंग और साथ ही बजर की पिन हाई हो जाएगी। इसके बाद अगर स्पीड की वैल्यू 50 से ड्रॉप रहती है तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी के ऊपर प्रिंट होगा नॉर्मल स्पीड। इसके बाद 3000 मिलीसेकंड के लिए होल्ड हो जाएगा और साथ ही बजर की पिन लो कर देंगे और इसके बाद स्पीड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और उसके बाद फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल भी 0 हो जाएंगी, यानी कि दोबारा से सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे टाइम रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको अर्डिनो में अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कोड अपलोड कर देना है। तो कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।